नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं विदेश में नौकरी पाने का सही तरीका। दोस्तों, यूं तो हर किसी से अच्छे से ज़िंदगी गुजारने के लिए ना अच्छी नौकरी या फिर किसी अच्छे बिजनेस की तलाश रहती है, लेकिन बहुत से लोग विदेश जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। अगर आप भी विदेश जाकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं आप भी पा सकते हैं विदेश में अच्छी नौकरी। तो सबसे पहले जाने किस देश में करना चाहते हैं नौकरी। सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप किस देश में नौकरी करना चाहते हैं। इसी क्रम में आपको यह भी सर्च करना होगा कि उस देश में वीज़ा आदि कैसे मिलता है, ताकि आप आसानी से वहां पहुंच सकें। उस देश के रहन सहन और रोज़मर्रा की चीज़ों की दाम आदि के बारे में भी अच्छे से रिसर्च कर लें। दोस्तों, विदेश में नौकरी पाने से पहले दूतावास से करें संपर्क। किसी देश में काम करने के लिए क्या ज़रूरी है इसके बारे में जानने के लिए या तो उस देश के दूतावास से संपर्क करें या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये सब पता कर सकते हैं। हालांकि दूतावास से आपको हर चीज़ का पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अगर आप किसी एजेंसी या किसी जान पहचान के व्यक्ति के जरिए भी विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो भी दूतावास से इसकी जानकारी ले लें। ऐसे में आप किसी फर्जीवाड़े में नहीं फंसेंगे। अलग अलग वेबसाइट पर सर्च करके यह भी पता करें कि उस देश में पहले से काम कर रहे लोगों को का क्या कहना है कि उनकी ज़िंदगी कैसे बीत रही है। अब हम आपको बताते हैं कैसे ढूंढें नौकरी। एक बार जब आपने यह फैसला कर लिया कि आपको किस देश में नौकरी करनी है, तो इसके बाद अगला कदम है नौकरी ढूंढने का। यह सबसे मुश्किल स्टेप होता है, क्योंकि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहां आपको विदेशों में नौकरी की लिस्ट मिल जाए। ऐसे में सबसे ज़रूरी है नेटवर्किंग। आपके जो जान पहचान के लोग बाहर काम करते हैं उनसे संपर्क करके नौकरी के बारे में पता करें। साथ ही लिंक्डइन जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से अलग अलग कंपनियों के CEO, मैनेजर या अन्य अधिकारियों से संपर्क करें और नौकरी के बारे में पता करें। हालांकि ये ध्यान रखें कि कोई आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे ना ऐंठ ले। दोस्तों, विदेश में नौकरी पाने का एक तरीका है जॉब फेयर। कई कंपनियों के ऑफिस देश से बाहर भी होते हैं। ऐसे में आप गूगल पर जॉब फेयर भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके देश या शहर में ऐसा कोई जॉब फेयर हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। इस तरह के इवेंट पर कंपनियां कराती है जिनके ऑफिस देश से बाहर भी होते हैं और वह अपने विदेश के ऑफिस के लिए लोगों को हायर कर रहे होते हैं। दरअसल विदेशों में काम करने के लिए लोग काफ़ी कम हैं, जैसे अमेरिका में। ऐसी स्थिति में कंपनियां खुद ही एक जगह से लोगों को हायर करके काम करने के लिए विदेश भेज देती हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी कंपनी के जरिए विदेश जाने का मौका पा लेते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके आने जाने का खर्च भी कंपनी ही वहन करती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि आवेदन कैसे करना है। अगर आप जॉब फेयर के जरिए नौकरी पाते हैं तब तो आपका टेस्ट, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग यहीं हो जाएगी। इसके बाद आपको विदेश भेजा जाएगा। लेकिन आप अगर किसी के संपर्क से विदेश नौकरी करने जाते हैं तो आपको पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपना बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे यानी करिकुलम वाइटे उस कंपनी को भेजना होगा जिससे आपको नौकरी करनी है। आपका रिज्यूमे वह शख्स भी कंपनी तक पहुंचा सकता है जिसके जरिए आपने विदेश में नौकरी की बात की है। विदेश की नौकरियों के लिए अक्सर टेलीफोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही इंटरव्यू किया जाता है। अगर आप इंटरव्यू के बाद चुन लिए जाते हैं तो आप जाकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा और अन्य नियमों के बारे में बताना चाहते हैं। विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप भी विदेश नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपके पास वैध पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वीज़ा आदि के नियम भी ज़रूर जान लें, क्योंकि आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं इसलिए पहले उस देश के यातायात और अन्य नियम भी जाने, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस देश के नियम भी भारत की तरह हों। ऐसे में अगर आप विदेश के कोई नियम तोड़ते हैं तो ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको उस नियम के बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो, और किसी अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल LTS News।